नमस्कार दोस्तों नौकरी जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया में निकली सीधी भर्ती 2020 के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि जो वैकेंसी निकली है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वो कौन कौन सी पोस्टों पर निकली है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर के पदों पर यहाँ पर आपके लिए यह वैकेंसी रहने वाली है आप इस वैकेंसी में दोस्तों अपना फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा आयुष के बारे में बात करें तो यहाँ पे 18 से 25 साल आयुषमा रखी गई है और यहाँ पर आरक्षण के अनुसार अगर आप ए सी एस टी ओ बी सी जनरल कैटेगरी से है तो आपका यहाँ पर आयुषमा भी छूट भी मिलने वाली है यहाँ पर दोस्तों बात करें पीज की तो ए सी एस टी कैंडिडेट के, के, के लिए यहाँ पर मात्र पचास रुपये फॉरम पीच रखी गई है यहाँ पे देख सकते हैं हाँ पचास रुपये रखी गई है ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस अलग रखी गई है यहाँ पे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपना जारी कर दिया है आपको बताएंगे कि इस फॉर्म के अंदर आप कब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बारे में भी हम बात करने वाली है तो आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से आप जानकारी प्राप्त करके उसी के बाद अपना फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपना रिक्वायरमेंट का जारी किया है आपके सामने यहाँ पर है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अगर फॉर्म बनने की स्टार्ट यानी कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं एक अगस्त 2020 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप यहाँ पर 16 अगस्त 2020 तक अपना फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हैं आपकी जो दोस्तों आयु की गणना होने वाली है वो एक सितंबर 2020 से आपकी आयु की गणना की जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है नेम ऑफ स्पोर्ट्स या गेम देख सकते हैं आप आर्चरी बॉक्सिंग जिमनास्टिंग स्विमिंग टेबल टेनिस वेट लिफ्टिंग रेस्टलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिसल लेवल की इतनी पोस्ट आपको मिलने वाली है और कलर की टोटल आपको चौदह चौदह पोस्ट यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसीज की आगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लास के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्र सीमा आपके लिए यहाँ आप पर बताई गई है कि कितनी आयु सीमा आपके लिए चाहिए और योग्यता के बारे में भी आपके यहाँ पर देख सकते हैं कितनी योग्यता यहाँ पर रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी के साथ दोस्तों आपको इस पी फाइल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर बात ही कराने वाला हूँ आप इस पी फाइल को अच्छी तरह विजिट जरूर करिएगा और उसी के बाद आप इस वैकेंसीज में अपना फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयुष वमा में आपको छूट मिलने वाली है अगर आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से यानी ऐसी कैटेगरी से आती है तो आपको पाँच साल की आयुष बीमा में छूट मिलने वाली है और अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओ बी कैंडिडेट है आप नॉन क्रीमिलियर तो आपको तीन साल की आयुषीमा में यहाँ पर छूट मिलेगी इसी के साथ आप फॉर्म पीज़ के बारे में भी देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम पे स्केल के बारे में बात करें तो आपको तेईस हज़ार सात सौ रुपये यहाँ पे से आपका पे स्केल रहने वाला है इसी के साथ आप कलर के लिए भी आपकी सैलरी यहाँ आप पर दे रखी है ग्यारह हज़ार सात सौ पैंसठ से आप तेरह हज़ार सात सौ तीस रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है आप देख सकते हैं अलग है अलग ग्रेड पे के अनुसार आपको यहाँ पर अलग अलग सैलरी भी मिलने वाली है दोस्तों ये थे आपके लिए वैकेंसीज की डिटेल मार्क के बारे में भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा से आपको कितने मार्क यहाँ पर मिलेंगे पूरा इस पी फाइल में डिटेल से बताया गया तो आपको पीडीएफ फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा वहाँ से आप ये पी फाइल जरूर डाउनलोड करके आप इस वैकेंसीज की पूरी डिटेल आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करिएगा उसके बाद अपना फॉर्म जरूर फिल करिएगा थैंक्स फॉर वॉिंग दिस वीडियो गाइस